कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चले आए, आज जो फोटोशूट कर रही हैं वो मेरी पोती हैं, उनका नाम रामीन है और वो मुस्करा रही हैं क्योंकि उसकी फरमाइश पे मैं केक बना रही हूँ, चॉकलेट चिप केक। इस केक के लिए हमें एक कप मैदा, 3/4 कप चीनी, 1/2 कप ऑफ चॉकलेट चिप, 3/4 कप ऑफ ऑयल, 1 चम्मच हम बेकिंग पाउडर लेंगे और 3 अंडे इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम अपना मैदा जो है उसको छान लेंगे और उसके बाद हम प्रोसीजर शुरू करेंगे। मैदा जो है उसको छानना भी होता है कि वो उसमें इसे एयर गुजरे। दूसरा, ये देखिएगा जैसे ये छोटी छोटी बीच में बिट्स रह जाती हैं, मैदे की हैं, लेकिन वो बिल्कुल जमी होती हैं तो वो निकल जाती हैं, इसलिए मैदा ज़रूर छानना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने अंडों की तरफ। हम अंडे पहले मरहले में उनको बीट करेंगे फ्लफी होने तक और हल्का होने तक। ये 3 अंडे मैंने डाल लिए हैं और इसको मैं बीट करूंगी। अच्छा, मैंने अभी ओवन को 180 पे प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया है, तो इस केक को हम तकरीबन 25 से 30 मिनट के दरमियान में हम इसको बेक करेंगे। दरमियान में अगर आप 20 मिनट के बाद देख लें, ये डिपेंड करता है अपने अपने ओवन के ऊपर। अब आपको ऊपर फ्रॉक्स नज़र आ रहा होगा, ये लाइट भी हो रहा है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। तो 1-2 मिनट के लिए मैं और इसको बीट करूंगी, फिर हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और वो उसको थोड़ा थोड़ा बीच में डालते जाएंगे। ये देखिएगा, चीनी मैंने इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। अब मैं इसके अंदर तेल पोर करूंगी और वो भी इसी तरह ही हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब हमने ऑयल मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर मैं भूल गई थी बीच में वनीला एसेंस रखना, तो मैं इसमें अब 1 टीस्पून वनीला लाऊंगी और उसके बाद हम इसके अंदर मैदा और जो बेकिंग पाउडर है वो शामिल करेंगे। ये मैं एक इसका जो बॉटल का ये ढक्कन है, ये तकरीबन 1 टीस्पून ही बन जाता है, मैं ये शामिल कर रही हूँ। ये मैं मैदे में ये डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, ये तकरीबन 1 ही है इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा करके अपने मिक्सर में शामिल करूँगी। मैदा इसमें शामिल कर लिया है सारा। अब मैं पैन के अंदर इसको ब्रश कर दूंगी तेल के साथ। नीचे मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, साइज पे भी हम अच्छी तरह इसको कर लेंगे ताकि हमारा केक आसानी से फिर निकल आए। चलें अब हम इससे स्पैचुला से सारा अच्छी तरह साइड से भी उतार लें और मिक्स करें। और इसके अंदर हम जो चॉकलेट चिप हैं
उसमें से बिल्कुल थोड़े से बचाएंगे ऊपर केक के डालने के लिए, जबकि दूसरे सारे मिला देंगे। सारा शामिल कर दिया मिक्सर, इसको टैप करते हैं और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं चॉकलेट चिप को। और इसे मैं ओवन में प्लेस करूंगी 30 मिनट्स के लिए, लेकिन मैं 25 मिनट्स के बाद इसको चेक करूंगी। चले आए हम केक देखें। तो हमारा केक हो चुका है, अब हम इसे बिल्कुल दरमियान में से चेक करेंगे। और ये देखिए हमारी छुरी तकरीबन बिल्कुल साफ है, ये कहीं ना कहीं पे ये वाला चिप जो है ये इसके साथ टकराया है, तो वो तो जाहिर है कि उस करते हैं गर्माइश है चूँकि, वरना हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी है और उसकी कोई भी केक का नहीं ऊपर आ रहा। तो मैं इसको अब 10 मिनट्स के लिए यहाँ पे रखूँगी ताकि ये थोड़ा सेटल डाउन हो, तो फिर मैं आपको निकाल कर इसका स्लाइस करके दिखाऊँगी। ये चले जी, हमने केक निकाल दिया रैक के ऊपर, इसको हम थोड़ी देर, वरना गरम गरम अगर आप प्लेट के ऊपर रखेंगे तो फिर वो नीचे से भाप की वजह से वो सौगी सा हो जाता है। तो हम इसको अभी काटते हैं, स्लाइस करते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर से। चलिए अब रामीन जो है उसे वेट नहीं हो रहा, तो मैं रामीन को एक पीस जो है वो अभी काट के देने लगी हूँ, वरना तो अभी वेट करना चाहिए था 2-3 मिनट और। ये देखें गरम गरम है और इतना वो सॉफ्ट है कि वो टूटने का फिर खतरा होता है स्लाइस का, लेकिन रामीन का दिल चाह रहा है कि मैं फौरन से खाऊं। तो चलिए ये हमारा टेक्सचर देखें, बड़ा ही अच्छा बना है, लेकिन आप इसको ज़रूर थोड़ी देर वेट कीजिएगा सेटल होने का।